नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव से शहर तक में। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग इंटरनल CSS का प्रोग्राम बनाएंगे और अपने HTML कोड के अंदर कैसे यूज करते हैं इसको देखेंगे हम लोग दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इंटरनल CSS के बारे में। तो ये दोस्तों हमारा ओपन है HTML टेक्स्ट एडिटर समलाइन। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग थियोरी में पढ़ रहे थे कि इंटरनल CSS को यूज करने के लिए हम हेडर टैग का इस्तेमाल करते हैं और हेडर सेक्शन में जो है एक बार हम लोग जो है इंटरनल CSS डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद जो है वो पूरे पेज के लिए अप्लीकेबल होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे हम उसको जो है यूज करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ जो है हम यहाँ पैराग्राफ्स लिख लेते हैं। तो ये दो पैराग्राफ हैं दोस्तों, उसके बाद जो है दो जो है हेडिंग एलिमेंट हमने लिख लिया और इन दो अब इन पे हम जो है CSS अभी कोई अप्लाई नहीं किए। तो पहले इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा जो है कुछ यूँ दिख रहा है। इसके बाद हम CSS लगा के देखते हैं कि हमारा पेज कैसा दिखता है। सबसे पहले हेड टैग डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद स्टाइल, और इसके बाद दो हम लोगों ने दो पैराग्राफ और दो हेडिंग ले रखी है। तो पहले पैराग्राफ के लिए जो है हम डिफाइन कर लेते हैं CSS। पैराग्राफ के लिए पी लिखते हैं, उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके बाद जो एट्रीब्यूट हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं हम। जैसे हम अगर सपोज दैट कि हमने लिखा फॉन्ट साइज और यहाँ पे दे दिया हमने 30 पिक्सल। अब क्या होगा कि ये 30 पिक्सल जो है दोनों पैराग्राफ पे अप्लीकेबल होगा ये। इसी तरह से जो है हेडिंग टैग के लिए हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, और हेडिंग टैग के लिए हम यहाँ कलर डिफाइन कर देते हैं, कलर रेड। अब इसको जो है हम रन करके देखते हैं अपना प्रोग्राम कि क्या फ़र्क पड़ा। तो इसे रिफ्रेश करते हैं इस पेज को और ये देखिए ये रेड हो गया आपका, लेकिन आपका फॉन्ट चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये देखते हैं। थर्टी पिक्सल ये देखिए आपका फॉन्ट चेंज हो रहा है, आपका कलर चेंज हो रहा है, जबकि हम लोगों ने कहीं भी यहाँ पे इनलाइन CSS या किसी प्रकार कोई भी कोड हम लोगों ने नहीं लिखा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है इंटरनल CSS का यूज करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हैं इस वीडियो को तो आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।